सेटअप के लिहाज से ये ग्लोबल संकेतों के लिहाज से इस सदैव रिस्पांस के बीच में हमारा निफ्टी का अप्रोच करेगा कैसा लग रहा है आपको <coughs> देखिए निफ्टी का अप्रोच बहुत सिंपल है पहला आपको रेजिस्टेंस मिलेगा जहां हम खुलेंगे चौबीस नौ सौ से चौबीस नौ सौ पचहत्तर ये थोड़ा सा ऑप्शन के हिसाब से इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है लेकिन मुझे लग रहा है ये इवेंचुअली ब्रेक होगा और उसके बाद पच्चीस से पच्चीस जो आपका ऑल टाइम हाई है पच्चीस टू बी प्रिसाइज वहाँ पर एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजिशन में अपना स्टॉप लॉस चेंज कर दीजिए चौबीस का अगर तो आप बी टी लॉन्ग हैं तो मेरे ख्याल से फिर एक बार के लिए अपना पोजिशन को भले ही अनवाइंड कर लें लेकिन अगर आप पोजिशनरी लॉन्ग है कैरी कर रहे हैं इस मार्केट को चौबीस दो सौ चौबीस तीन सौ से तो चौबीस छः सौ चालीस छः सौ अस्सी का आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं पहला सपोर्ट है आपका चौबीस सात सौ से चौबीस आठ सौ ऑप्शन के हिसाब से और फिर बड़ा सपोर्ट है चौबीस छः सौ सात से चौबीस छः सौ चौवन जो पिछले हफ्ते का लो था मेरे ख्याल से वहाँ तक तो हम जाएंगे नहीं लेकिन <coughs> बाइंग जोन कहाँ पर है देखिए साठ सत्तर पॉइंट ऊपर

ठीक है क्योंकि 200 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो आप रखेंगे अगर आप दो तीन हज़ार पॉइंट की रैली के लिए अप्रोच कर रहे हैं मार्केट को तो इसके लिए ये एक बेसिकली निफ्टी पर अप्रोच होगी सेल ट्रेड मैं नहीं दे रहा हूँ वैसे स्क्रीन देखिए अगर हायर लेवल रिजेक्ट हो रहे हैं तो एक सेल ट्रेड इंटर में अगर आप चाहें प्योरली इंटर में तो वो ले सकते हैं डे हाई के स्टॉप के साथ लेकिन वो मैं उसको अप, अपनी स्ट्रैटी में नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ स्क्रीन देख उस उसको डिसाइड करेंगे ओके okay. वो खैर स्क्रीन पे मदद करने के लिए होंगे तब आप जुड़े रहिएगा जो भी स्क्रीन पे जिस तरह रिएक्शन होगा उसके बाद डिसाइड करेंगे बाजार का कैसा रहा है खैर इतनी सदी हुई शुरुआत नहीं होगी ऐसा लग रहा है एक चौथाई भी अब तो उछाल नहीं दिखा रहा गिफ्ट निफ्टी इस तरह की शुरुआत हो रही है बहुत बढ़िया फेट कमेंट्री के बाद चेयर की कमेंट्री के बाद निफ्टी बैंक आज है भैया मंडे तो एक तो बैंक की एक्सपायरी भी खड़ी हुई है ऐसे में इस पॉकेट को लेकर किस तरह का मूड बन रहा है क्या क्या अप्रोच रखी जाए लेवल्स आप करोगे देखिए बैंक निफ्टी में एक चीज़ है भले ही अंडर परफॉर्मिंग इंडेक्स हो लेकिन पिछले हफ्ते इसने एक अच्छी चीज़ की सारे मूविंग एवरेजेस को क्रॉस किया इसने हाँ, हाँ. और वहीं पर सपोर्ट है पहला सपोर्ट 5778 से 5841 एट फोर एंड फिफ्टी डेमा ऑलमोस्ट टेन डेमा भी वहीं पर है तो सारे मूविंग एवरेज वहीं पर हैं अगर ये टूटा तो पचास चार से पचास 50, पाँच चार्ट के हिसाब से और रजिस्टेंस कहाँ आएगी जो वेल well डॉक्यूमेंटेड है इक्यावन एक से इक्यावन दो जिसको बैंक निफ्टी क्रॉस नहीं कर पा रहा है इवन फ्राइडे को भी देखिए आप इक्यावन एक, एक के ऊपर गया फिर वहाँ से कोलेप्स कर गया और बड़ी रजिस्टेंस इक्यावन चार सौ इक्यावन पाँच आपके ऑप्शन के हिसाब से बैंक निफ्टी में अभी भी अप्रोच मेरी वही है आप प्योरली इंटरडेमिट ट्रेड करें प्योरली इंटरडेट ट्रेड करें बैंक निफ्टी में इस समय इक्यावन दो सौ के ऊपर अगर आप बंद होने शुरू हुए तो एक मूड बनेगा पोजिशनली कैरी करने का या फिर आप पचास हज़ार के नीचे अगर बंद होना शुरू हुए तो पोजिशनली शॉर्ट कैरी करने का लेकिन जब तक ये दोनों मार्क्स इंटैक्ट हैं तब तक आपको प्योरली इंटरडेम ट्रेड करनी है देखिए वैसे भी बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए आप पोजिशनली किसी ट्रेड में पैसा नहीं बना होगा तो इंट्राडे रखें बैंक निफ्टी को दोनों साइड की ट्रेड्स लेने की कोशिश करें ये ये, ये फ्राइडे को भी चर्चा हुई थी बॉटम बनाने के संकेत दे रहा है निफ्टी बैंक पर आपको स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग पे ही रखना है लेवल्स की की मार्कर्स ऊपर तरफ और नीचे 50,000 इधर वेज जहां निकलेगा निफ्टी बैंक शायद बड़े मूव की उसके बाद तैयारी कर रहा होगा खैर ये हो गया आज मंडे के दिन बहुत इंटरेस्टिंग दिन हमारा ये अप्रोच निफ्टी का निफ्टी बैंक का सीएनबीसी आवाज का मॉर्निंग बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें